अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कवल हमाद, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और पॉजिटिविटी के साथ ये दिन गुजार रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना करम करेंगे और ये टाइम खैरियत से गुजर जाएगा और हम लोग वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। तो मैं भी थोड़े दिनों से मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाती है। मैंने सोचा क्यों ना एक मेकअप लुक की जाए कि मैं भी थोड़ा फ्रेश फील करूँ और आप लोगों के साथ भी एक लुक शेयर हो जाएगी। प्लस मैं वो वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी जो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास होती हैं, आप उसको स्विच कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। मैं भी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी बट स्टिल कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी जो आप लोग अपने घर पे आपके पास अवेलेबल होंगी और आप इजीली वो लुक क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करा सकते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रूटीन से हट के चीज़ हो जाएगी कि आप अगर शाम में खुद एक मेकअप लुक अपने ऊपर क्रिएट करते हैं तो वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग आपके लिए लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ओले का मॉइस्चराइज़र। ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है और मैं प्राइमर्स डेली बेसिस पे अवॉइड करती हूँ, कंसीलर्स अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। एज यू कैन सी कि अभी भी स्किन कितना बैड बिहेव कर रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और उस पर ये तो होता ही है, ये तो होगा। तो सबसे पहले ओले का मॉइस्चराइज़र। ठीक है, उसके बाद आई विल यूज़ दिस रायोलैन की फाउंडेशन। ये लिक्विड बेस है और बहुत हाइड्रेटिंग है और बहुत ग्लोइंग है। इसको लगा के आपको बिल्कुल भी नहीं लगता गया हमने को फाउंडेशन लगाई हुई है। वेरी लाइट वेट और माय फेवरेट फॉर एवरी डे। तो इसको मैं कुछ इसका इस तरह से होता है, इसको मैं आपको निकाल दूँगी। यू कैन सी कि ये बहुत पिंकिश स्किन से इसकी लुक है। फिर इसको मैं फिंगर से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। फाउंडेशन हो चुकी है डन और अब ये यूज़ करूँगी मैं मेबेलिन की। ये स्टिक है, एक तरफ कंसीलर है और एक तरफ इसके है कॉन्टूर। तो मैं इसमें से कंसीलर वाला पार्ट लूँगी और जितने मेरे ब्रेकआउट्स हैं उसको मैं कंसील करूँगी। इसको मैं फिंगर की हेल्प से बहुत ज़्यादा हैवी आप लोगों ने हैवी उसको कंसील नहीं करना। इट्स जस्ट लाइक एक डे टू डे लुक है। यहाँ घर में जैसे शाम अपने हस्बैंड के लिए तैयार होते हैं या शाम को वैसे ही तैयार होते हैं घर में चाय के टाइम पे, तो इट्स गुड टू गो कि आप बहुत ज़्यादा उसको हैवी वाला मेकअप नहीं करें। मेबेलिन का ही सेटिंग पाउडर है ये, आई विल यूज दिस। आई एम यूजिंग दिस स्वीट टच की काजल पेंसिल है। आप कोई भी काजल ले सकते हैं, आप कोई भी रेगुलर जो भी आपके पास काजल है उससे जस्ट मैं लाइन करूँगी अपनी आईज को। That's it.
आई नो कि अभी ये बहुत बुरा लग रहा है, बट गाइस ट्रस्ट मी, बाद में सब सेट हो जाएगा. ये रिमेल की मेरे पास पेंसिल है और ये बेज शेड में, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस पेंसिल. मैं इसके दूसरी साइड पे जो इसका ब्रश है डोम शेप का, वो यूज़, आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इसके साथ इस काजल की ब्लेंडिंग बहुत पसंद है, सो आई विल यूज़ दिस मोस्टली. जब मैंने कहीं भी जाना हो, मेरे बैग में एक पास ये चंद चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और मैं उसी से मेकअप करती हूँ, तो आई विल यूज़ दिस. लैश कर लेंगे और उससे आईज को करेंगे कर्ल. Then I will use this Maybelline Rocket Volume Mascara. And I will use this Maybelline Muse Blush. आप उस पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं ब्लश, जो भी आपको पसंद है, पीच है, पिंक है, रेड है, उसको मैं फिंगर की ही हेल्प से. लिप्स के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ रिवाज की लिप लाइनर और उसके बाद आई विल यूज़ स्वीट टच की ये लिप शेड है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 766. So guys, I hope you like the final look. Stay tuned, stay safe, stay at home. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.